मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना को लेकर फेल है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं भी उसकी हमें फेल ही दिखाई दे रही हैं। 22 घंटे से मंत्री के क्षेत्र में एक शव रखा है, वो भी मासूम बच्चे की लाश सड़ रही है, बदबू देने लगी है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इकलौते डॉक्टर हैं जिनकी मीटिंगें ज्यादा होती हैं और वो अपने क्षेत्र में कम रहते हैं, मीटिंगों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। गजब है साहिब यह तस्वीर, मध्य प्रदेश के सागर के सुरखी क्षेत्र के जैसी नगर से है, जहां नाबालिग मासूम ने फांसी के फंदे पर झूल कर खुदकुशी कर ली। वजह अभी अज्ञात है, वजह क्या है इसका भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह जरूर पता चल गया है कि मानवीय संवेदनाएं तार तार हो गई हैं। बताया जाता है कि बीते दिन ग्राम बिजोरा से एक आदिवासी लड़की ने सुसाइड कर लिया, वो फांसी के फंदे पर झूल कर खत्म हो गई, लेकिन कारण अभी अज्ञात है। उसकी लाश बीते दिन से रखी हुई है, लेकिन डॉक्टर ने उसका पीएम नहीं किया है। यह लापरवाही किसी और के क्षेत्र की नहीं बल्कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र से है। आजकल अधिकारी मीटिंग इतनी ले रहे हैं कि सारा वक्त डॉक्टरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जानकारी मीटिंग में गुजर रहा है। अधिकारियों से निवेदन है कि डॉक्टरों को फ्री छोड़ दें, कोरोना के साथ अन्य बीमारियां चल रही हैं। सर, पोस्टमार्टम के लिए जो सागर गढ़ मीटिंग है सर जी, वो आने वाले हैं, है ना? हाँ, हमने फोन लगा के बता दिया था सर को। मॉर्निंग में गए हैं ना वो, आज लास्ट को कल की रखी है यहाँ पे। सर, इसके बारे में ये मुझे बताएंगे। आपको जो भी आंकड़े वाकड़े और उल्टी सीधी जानकारी चाहिए, बड़े अधिकारियों को आंकड़े चाहिए, क्योंकि भोपाल में बैठे मुख्यमंत्री और अधिकारियों को आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। कम कोरोना बताओ, कम लाशें बताओ, या जोर से कहो कि यहाँ सब ठीक है। इसी के चलते आज एक गरीब बिटिया की लाश का अपमान होता रहा और कोई कुछ नहीं कर पाया। कल 3 बजे करीब इसका लपेटा जसवंत चौकीदार रिपोर्ट करने आए थे। इसकी लड़की राम देवी करीब 10:30 बजे लोटा लेकर गई थी। घर वापस ना आने पर इनने तलाश लिया तो झिलना कहलाता है, उसके पास मुगवा का पेड़ है, उसकी डगार पर उसके दुपट्टे से लाश लटकी मिली है, जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर प्रधान आरक्षक देवेंद्र दुबे के मौके पर रवाना किया गया था, जिनके द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर आरक्षक विभाग के साथ पी एम हेड शेषी जयसी नगर पोस्टमार्टम को सब रवाना किया गया था। यह मंत्री का क्षेत्र है, मंत्री जी को इसकी जवाबदेही लेनी होगी। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसी नगर।